दोस्त हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सट्रीम मॉडल का अपडेट वर्जन आ चुका है, जैसे नया कलर, साथ में आपको माइलेज ज्यादा मिलेगा और E20 का अपडेट तो हो चुका है और इसका इंजन आपको फ्लैट मिलेगा। दोस्तों ये बहुत ही यूनिक इंजन है क्योंकि सब नया मॉडल पे इंजन आता है, ये जो देख रहा हूँ एक स्टैंडिंग वाला इंजन, बट इसके कंपेरिजन में जो हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक मॉडल का इंजन बहुत ही यूनिक है क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड फ्रेंड। इसका इंजन परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्त पहले थोड़ा प्राइस जान लीजिए इस बाइक का। आपको हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक मॉडल मिलेगा 98,000 ऑन रोड। आपका सिटी में थोड़ा बहुत प्राइस का ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि डिपेंड करता है RTO चार्जेस के ऊपर। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और एंड पे आपको मैं ऑफर बताऊंगा कैसे आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट पे मिलेगा इस बाइक। तो दोस्तों पहले देखिए इस बाइक का जो की आपको मिलेगा एक सिंपल वेब की। दोस्त नया अपडेट पे हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक मॉडल का बहुत कलर वर्सन आ गया है, आपका स्क्रीन पे आप देख सकते हो। आपको कौन सा वाला कलर अच्छा लगा आप जरूर कमेंट करके बताना। मुझको ये ब्लैक और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगा। दोस्त साइड पैनल पे आप देख सकते हो हीरो स्प्लेंडर प्लस का एक 3D वाला लोगो मिलेगा, नीचे है एक्सटेक का जो ब्रांडिंग और इसका जो हीरो जो लोगो है दोस्तों देख सकते हो, ये भी आपको एक 3D में मिलेगा। फ्रंट लुक का बात करूंगा, पहले आपको दिखाऊंगा इस बाइक का। आपको यहाँ पर DRL मिलेगा दोस्तों एक्सटेक मॉडल पे और नीचे जो हेडलाइट है 35 वाट का आप हेलोजिन हेडलाइट मिलेगा, जो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा रात पे राइडिंग करने के समय। दोस्तों इस बाइक पे दोनों साइड पे आपको एक हेलोजिन इंडिकेटर मिल जाएगा, फ्लेक्सिबल नहीं है। सो दोस्तों हीरो स्प्लेंडर प्लस का जो फ्रंट वाला सस्पेंसर आपको मिलेगा टेलीस्कोपिक फोक, ऑफ रोडिंग सिटी पे राइड करने के लिए बहुत ही मस्त बाइक है क्योंकि इस बाइक का जो डिमांड है ना आज नहीं है दोस्तों, लगभग 20 साल से इस बाइक चल रहा है। फ्रंट टायर आपको मिलेगा 80x100x18 इंच का फुल्ली ट्यूबलेस MRF जैपार का टायर, टायर ग्रिपिंग देख सकते हो बहुत ही अच्छा है। सामने वाला जो मार्डगार्ड आपको हेवी प्लास्टिक का एक मिलेगा और इस पे लेग गार्ड दोस्तों दिया है एक मेटल स्टील का, एक नॉर्मल लेग गार्ड, बट लेग गार्ड बहुत ही अच्छा है दोस्तों, कोई भी चेंज नहीं किया कंपनी। इस बाइक पे आपको दोनों साइड पे हीरो का जो लोगो दिख रहा हो ना ये 3D पे आपको मिल जाएगा। इसका जो पेट्रोल टैंक फुल्ली मेटल का है, कोई भी प्लास्टिक का नहीं दिया है कंपनी। नीचे देख सकते हो पावर स्टार्ट का जो लोगो दिया है। मेन बात करूंगा इस बाइक का जो इंजन स्पेसिफिकेशन दोस्तों, 97.2 cc सिंगल सिलेंडर OHC एयर कूल्ड OBD2 अपडेटेड इंजन। इंजन परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है और कंपनी इसका इंजन का साइज और इंजन पोजीशन कोई भी चेंज नहीं किया क्योंकि तो सब नया अपडेटेड बाइक आ रहा है, जैसे हीरो ग्लैमर का जो नया अपडेट मॉडल आया है इसका इंजन दोस्तों देख सकते हो एक स्टैंडिंग इंजन मिल रहा है, बट इसका कंपेरिजन में हीरो स्प्लेंडर प्लस का इंजन आप देख सकते हो कोई भी बदलाव नहीं किया है। इंजन परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है और इस बाइक पे आपको किक स्टार्ट मिलेगा। दोस्तों नया जो OBD2 अपडेटेड इंजन इस पे दिया है दोस्तों, इंजन साउंड बहुत ही रिफाइन है। आपको मैं एग्जॉस्ट साउंड थोड़ा सुनाता हूँ, आप कमेंट करके बताना कैसा लगा इसका इंजन साउंड। सच बात दोस्तों हीरो स्प्लेंडर प्लस का जो इंजन साउंड बहुत ही स्मूथ एंड रिफाइन है क्योंकि दोस्त नया अपडेट मॉडल पे OBD2 के साथ E20 का भी अपडेट हो चुका है, इसलिए इंजन बहुत ही रिफाइन हो गया। दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल। इस बाइक का जो रियर सस्पेंसर है वो आपको मिलेगा हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर, पीछे का सस्पेंसर आपका वेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट देखिए इस बाइक का जो रियर टायर आपको मिलेगा 80x100x18 इंच का फुल्ली ट्यूबलेस MRF जैपार का। एक्चुअली दोस्त सामने और पीछे की तरह सेम टू सेम आपको टायर मिलेगा, पंचर होने के बाद भी कोई भी आपको परेशानी नहीं होगा क्योंकि इस पे को फुल्ली ट्यूबलेस टायर मिल रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी चीज है और दोस्तों इस बाइक को I3S का भी सपोर्ट मिला है, ये आपको सामने में बताऊंगा। ब्रेकिंग के मामले में बात करते तो इस पे आपको 130mm का ड्रम ब्रेक मिल रहा है विथ बॉक्स कटिंग श्यूइंग गम के साथ। दोस्त वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले इस चैनल पर नया तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि आने वाले टाइम आपको मैं और भी डिटेल्स दूंगा। पीछे की तरह लुक देखिए दोस्तों, इस बाइक पे आपको मिलेगा एक सिंपल जो इंडिकेटर और पीछे का टेल लाइट आप देख सकते हो, ये आपको हैलोजन बल्ब पे ही मिलेगा। बात करूंगा इस बाइक का जो सीटिंग साइज को लेकर दोस्तों, इस बाइक का जो ये जो चीज देख रहा हूँ ना आप मेटल का मिल रहा है, ये दोस्तों चेंज नहीं किया है क्योंकि इसका डिमांड पहले से ही था, सो इसलिए कंपनी इसका कोई भी चेंज नहीं किया। बात करूंगा इसका जो सीटिंग कैपेसिटी आप देख सकते हो, एक आपको लंबा वाला फ्लैट सीट मिलेगा, कुशन क्वालिटी बहुत ही अच्छा नहीं कहूंगा बट ठीक ठाक है प्राइसिंग के कंपैरिजन में। सो दोस्तों देख सकते हो कितना बड़ा सीट आपको मिल रहा है इस बाइक पे, आराम से 2 से 3 लोग आप राइड कर सकते हो, फैमिली के लिए ये बाइक बेस्ट है। सो दोस्त इस बाइक का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा, इस बाइक का जो पेट्रोल टैंक कैपेसिटी वो है
9.8 लीटर का और इसका जो माइलेज आपको मिलेगा 68 के ऊपर। दोस्तों डिपेंड करेगा आपका राइडिंग कंडीशन के ऊपर, बट एवरेज दोस्तों आप 97 बाइक पे 62 के ऊपर माइलेज आराम से मिलेगा। नेक्स्ट देखिए इस बाइक को जो हैंडल पोस्टर आपको लेफ्ट साइड पे मिलेगा, अपर टिपर का स्विच, इस हाइड इंडिकेटर और हॉर्न का बटन। सो दोस्तों इस बाइक का जो क्लच है ना दोस्तों बहुत ही अच्छा है और इसका मिरर आपको एक सिंपल मिरर लगा मिलेगा। इस बाइक पे आपको i3s का अपडेट भी हो चुका है। जब आप i3s को ऑन करके और बाइक राइड करोगे, कोई भी ट्रैफिक सिग्नल पे आप रुकोगे तो आपका बाइक ऑटोमेटिकली स्टार्ट ऑफ हो जाएगा। बट सिर्फ कोई भी आपको सेल्फ नहीं दबाना पड़ेगा, जस्ट क्लच दबा के आप एक्सीलेटर ऑन करने से आपका बाइक स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस सिस्टम का मतलब है दोस्तों आपका पेट्रोल सेव करना, तो आपको ज़्यादा माइलेज मिल सकता है। और एक अपडेट हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटिव मॉडल का जो मेन अपडेट है, इसका मीटर कंसोल आप देख सकते हो। इस पे आपको ब्लूटूथ फीचर से लेके दोस्तों अब कुछ भी लगा, आपको मैं फिर से दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों इस पे शो कर रहा है ब्लूटूथ फीचर से, आप कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट, ट्रिप ए, ट्रिप बी, आपका बैटरी परसेंटेज सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पर बटन के जरिए। अब दोस्तों देखिए इसका जो मीटर है ना, फुल्ली डिजिटल मीटर आपको मिल रहा है। अब बटन के जरिए इस पे ट्रिप ए, ट्रिप बी आप चेंज कर सकते हो इस बाइक पे। और दोस्तों एक खास चीज है इस बाइक पे, आप राइडिंग के टाइम आपका जो फोन है इस पे चार्ज कर सकते हो। इस पे दिया है मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, बहुत यूनिक चीज अपडेट कर दिया है इस बाइक पे। सो दोस्तों इस चीज को बहुत ही आपको फायदा मिलेगा राइडिंग के टाइम। दोस्तों एक चीज देखिए, इस बाइक पे आपको कंपनी फिटेड एक साड़ी गार्ड मिलेगा और फुल्ली एक चेन कवर मिलेगा आपको इस बाइक पे, जिसके जरिए आपका जो मेंटेन कॉस्ट है ना दोस्तों वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि चेन जो लूप वगैरह करने के टाइम आपको बहुत ही आसानी होगा। और दोस्तों इस बाइक पे आपको साइड स्टैंड के साथ साइड स्टैंड सेंसर भी मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छा खासा चीज है। और इस बाइक पे आपको 4 गियर ऑप्शन मिल रहा है। दोस्त आता है मेन बात, क्यों आपको इस बाइक को खरीदना चाहिए। बहुत रीजन है, जैसे मेन 5 रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। इस बाइक का प्राइसिंग आपको 98,000 रुपीस पे मिल रहा है। सेकंड, इस बाइक का जो माइलेज आपको 62 के ऊपर मिलेगा। और तीन नंबर, इसका जो मेंटेन कॉस्ट आपको लगभग 0 ही मिलेगा। नंबर 4, इस पे आपको ब्लूटूथ फीचर्स मिलेगा, जिससे आप कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट सब कुछ चेक कर सकते हो। और दोस्तों नंबर 5, इस बाइक ओल्ड इज गोल्ड, इसका इंजन परफॉर्मेंस आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। तो दोस्त ये था दोस्त, इस बाइक खरीदना आप सोच रहे हो तो इस बाइक मेनली फॉर है जो लोग ऑफिस राइड करते हो और डेली कम्युनिकेशन, फैमिली के लिए बाइक ढूंढ रहे हो, ऐसा एक बाइक जिसको एक बार खरीद लिया तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इस बाइक उन लोगों के लिए बेस्ट है। दोस्त वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताया था क्या से इस बाइक को थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा, सो आपके लिए मेरे तरफ से एक स्पेशल ऑफर है, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर एंड फॉलोअर्स हो। तो दोस्तों आप वेस्ट बंगाल पूर्व मेदिनीपुर पे रहने वाले हो तो आप कोंटाई एंड कोंटाई के आसपास इलाका पे रहते हो तो आप जरूर आ सकते हो सीएम हीरो पे। ये ऑफर आके कोई भी आप हीरो का बाइक परचेस करने के टाइम मेरे सब्सक्राइबर बताना, आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर देगा प्राइसिंग से। दोस्त स्क्रीन पे नंबर है, आपका कोई भी क्वेरी है तो आप जरूर कॉल कर सकते हो। फ्रेंड इस चैनल पे और भी 100cc बाइक का वीडियो है, आप देख सकते हो राइट साइड पे है। और दोस्त और भी 125cc सेगमेंट पे बहुत सारा वीडियो है, आप भी वो भी चेक कर सकते हो, प्राइसिंग ऑल डिटेल्स आपको मालूम पड़ जाएगा। दोस्त वीडियो का अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।